खबर काला ढूंगी की है, जहां राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में चल रहे 12 दिवसीय शिविर में आज तीसरे दिन जिला उद्योग केंद्र के भूतपूर्व अधिकारी योगेश कुमार पांडे ने स्टूडेंट्स को बिजनेस की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरह से हम नएपन के माध्यम से पुराने सामान को नए फ्लेवर के साथ बाजार में बेच सकते हैं। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड की बिच्छू घास और पिरूल का उदाहरण देते हुए कहा कि नएपन के कारण इनका नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट कितना बड़ा हो चुका है। उन्होंने स्टूडेंट्स को खुद पर भरोसा करने की बात कही। कालाढूंगी से मुकेश छिम्बाल की रिपोर्ट। मुझे मतलब कहते हैं एक्चुअल में ये उद्यमता के बारे में लोगों को जानकारी देने का मेरा एक वो मकसद है, तो मुझे जितने भी एनजीओज हैं वो बुलाते हैं, तो उसमें मुझे आज यहाँ भी यहाँ बुलाया गया था, तो जिसमें मेरा मकसद रहता है कि लोगों को मतलब कहते हैं एक उद्यम स्थापित करने के लिए उद्यमता क्या है उसकी जानकारी देना, और उद्यम स्थापित करने के लिए क्या क्या योजनाएँ गवर्नमेंट शासन द्वारा चलाए उनकी जानकारी देना। हम 12 दिवसीय उद्यमिता विकास योजना के अंतर्गत बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं कि कैसे वे अपने भविष्य को बेहतर बनाएं। बहुत सारी टिप्स उनसे साझा की जा रही हैं, कैसे वो अपने इस कॉम्पिटिशन के समय में अपने करियर को बेस्ट बनाएं, क्योंकि देखिए आजकल आप खुद देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत अच्छी बात है कि बच्चे वहाँ के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बीच में उनको एक ऐसा पड़ाव मिल जाए, वो सेल्फ डिपेंडेंस हो जाए अपने 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 बेहतर भविष्य के लिए। राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में 26 फरवरी से यह शिविर लग रहा है उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और स्किल डेवलपमेंट इंडिया के नाम पर कार्यक्रम जो चलाया है, उसी कार्यक्रम के तहत देवभूमि उद्यमिता विकास के तहत यह कार्यशाला चलाई जा रही है। यह 12 दिवसीय कार्यशाला है, इसमें छात्र छात्राओं को स्वयं के मालिक हम कैसे बने यह गुर सिखाए जाएंगे।